आप ये समझिए कि नेकबैंड बाइंग गाइड की तरह से। तो कई बार क्या होता है कि जब हम बाहर जाते हैं तो मेरे साथ तो अक्सर ये होता है कि जेब में मोबाइल रखा हुआ वाइब्रेट कर रहा है और कॉल मिस हो जाता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा उसका ड्राइवर साइज भी देखना चाहिए, काफी अच्छा लगना चाहिए कि आप लॉन्ग टाइम के लिए भी उसे पहन सके। अगर उसमें साथ में मैग्नेटिक कंट्रोल भी उसमें दे रखा है जिसमें ऑन ऑफ वो हो जाता है, वो प्रीमियम क्वालिटी का दिखता है। इसकी लेटेंसी काफी लो है तो गेमिंग के लिए भी काफी अच्छा है। इस हिसाब से अगर आप नेकबैंड खरीदते हैं तो आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं होना पड़ेगा और ये सब 2000 के अंदर मिल जाते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर नेकबैंड खरीदना है तो उस नेकबैंड खरीदने का क्या क्या क्राइटेरिया मिनिमम होना चाहिए और आप कौन सी नेकबैंड ले। मैं कुछ नेकबैंड सजेस्ट भी करूंगा, तो आप ये समझिए कि नेकबैंड बाइंग गाइड की तरह से। तो कई बार क्या होता है कि जब हम बाहर जाते हैं तो मेरे साथ तो अक्सर ये होता है कि जेब में मोबाइल रखा हुआ वाइब्रेट कर रहा है, मुझे पता ही नहीं चलता और कॉल मिस हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत पड़ती है, मोबाइल रखा हुआ है लेकिन हम उसे पिकअप नहीं कर पाते हैं तो वो फिर मिस हो जाता है। और कई बार हमें म्यूज़िक सुनना है तो फिर दिक्कत हो जाती है उसमें, क्योंकि तार लगता है वो खिंचा जाता है वगैरह वगैरह, बहुत सारी झंझट हो जाती है। कोई फिल्म देखना चाहता है तो उसके लिए भी फिर वो लगाना पड़ता है, आपको हेडफोन लगाने पड़ते हैं भारी भारी। तो इन सब से बचने के लिए नेकबैंड बहुत ही अच्छा एक उपाय है। और नेकबैंड खरीदने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया मैंने फिक्स कर रखे, उन क्राइटेरिया के आधार पर अगर आप नेकबैंड खरीदेंगे तो आपको बिल्कुल भी रत्ती भर भी आपको पछतावा नहीं होने वाला, रिग्रेट बिल्कुल नहीं होने वाला। और ये सारे नेकबैंड जो मैंने देखे हैं ये 2000 के नीचे हैं और ये सारे नेकबैंड बहुत अच्छे हैं। और जो मैं सजेस्ट करने जा रहा हूँ वो सभी नेकबैंड में से जो भी आपके लायक हो या आपके रिक्वायरमेंट के आसपास आता हो आप उसे ले सकते हैं। चलिए शुरू कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्राइटेरिया हमारा ये होना चाहिए कि आखिर हम ले क्यों रहे हैं उस नेकबैंड को, क्योंकि अगर आप म्यूज़िक लवर हैं, अगर आप फिल्म देखते हैं, अगर आपको बेस पसंद है तो आपको ऐसे नेकबैंड की तरफ जाना चाहिए जिसमें डीप बेस ऑटोमेटिकली उसमें डिफॉल्ट दिया हो, या फिर आप उसे सेट कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। अगर आप कॉल को देखने जा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉल क्वालिटी अच्छी हो, सामने वाले को सुनाई दे अच्छा, आपको भी सुनाई दे भीड़ भाड़ में, तो आपको ऐसे नेकबैंड की तरफ जाना चाहिए जिसमें ANC ENC वगैरह दिया हो, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, और उसमें कुछ ऐसे कोडेक लगे हों जिसकी वजह से ये सारा हो पॉसिबल हो पाए। दूसरी बात ये कि आपको उसमें बैटरी लाइफ देखना चाहिए, बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी हो, और मेरे हिसाब से तो जो मिनिमम होना चाहिए 15 घंटे का होना चाहिए, क्योंकि आप म्यूज़िक भी सुनेंगे, अगर फिल्म भी देखेंगे और लगाए भी रखेंगे दिन भर तो इतना तो चाहिए। और अगर इतनी बड़ी बैटरी है तो फास्ट चार्ज भी चाहिए, तो फास्ट चार्ज को भी वो सपोर्ट करना चाहिए। और उसमें फास्ट चार्ज ऐसा होना चाहिए कि जैसे 5 मिनट का अगर चार्ज किया तो 5 घंटे कम से कम आपको उसका प्ले टाइम मिल पाए। और उसमें मैग्नेटिक कंट्रोल, मैं जानता हूँ कि आजकल सभी मैग्नेटिक वाले आते हैं लेकिन मैं मैग्नेटिक कंट्रोल की बात कर रहा हूँ, तो उसमें कुछ मैग्नेटिक कंट्रोल वाले फीचर होना चाहिए, जैसे कि दोनों आपस में अगर हम उसे कनेक्ट कर दें तो या तो वो ऑफ हो जाए और आपके उसमें मोबाइल में दिखा देता है, आजकल काफ़ी सारे में दे रहे हैं लेकिन अधिकतर में नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। और दूसरा या तो और भी चीज़ एडिशनल अगर आप मिल जाए, जैसे कि उसमें आप कनेक्ट कर दो तो कॉल डिसकनेक्ट हो जाए और निकालो तो वो कॉल को आप रिसीव कर सकें आराम से, वाइब्रेट के भी आ रहे हैं काफ़ी सारे। और या तो आपको ऐसा हो जाए कि जब आप म्यूज़िक सुनते हैं तो उसे जब लगा के रखते हैं तो भाई सुनने में आएगा ही, लेकिन जब आप उसे चिपका देंगे, उसे कनेक्ट कर देंगे तो म्यूज़िक ऑफ हो जाएगा, पॉज हो जाएगा, और जब आप उसे निकालेंगे तो वापस प्ले हो जाए। तो इस तरह से कुछ एकाध तो फीचर उसमें मिले मैग्नेटिक कंट्रोल वाले। अगला ये है कि उसमें जो उसका ड्राइवर साइज़ है वो भी देखना चाहिए, क्योंकि आजकल 12-13 तक भी आगे आराम से निकल चुके हैं, तो आपको वो साइज़ भी देखना चाहिए क्योंकि वो साइज़ भी काफ़ी मैटर करता है, साइज़ डज मैटर दोस्त। तो आपको अगर कोई अच्छा फ़ोन है जिसमें दूसरे फीचर भी मिल रहे हैं तो आप 9 के ऊपर जो दूसरे ड्राइवर हैं उस पर भी जा सकते हैं। एक है OnePlus का जो 10 के नीचे है लेकिन 9 के ऊपर है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा उसका ड्राइवर साइज़ भी देखना चाहिए। अगला ये होना चाहिए कि उसमें कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो, फास्ट हो, ब्लूटूथ 5 कम से कम हो, और उसके ऊपर तो बहुत अच्छी बात है, और वो साथ साथ में ड्यूअल पेयरिंग या मल्टी पेयरिंग भी कर सकें, कम से कम ड्यूअल पेयरिंग हो, मल्टी पेयरिंग मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगला ये कि उसमें कंफर्ट लेवल काफ़ी अच्छा हो, अगर आप उसे पहन के रखते हैं तो उसमें कम से कम IPX5 की रेटिंग हो, जिसमें स्वेट और पानी की अगर आप जिमिंग करते हैं, जिमिंग सेशन है आपका, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अब दौड़ भाग जो भी चल रहा है,
या फिर नॉर्मल डे लाइफ में भी अगर उसमें पानी गिरता है, पसीना आता है, तो उसमें कुछ होना नहीं चाहिए। कंफर्ट आपके कान में पहनने पर काफ़ी अच्छा लगना चाहिए कि आप लॉन्ग टाइम के लिए भी उसे पहन सकें। अगर उसमें साथ में हुक आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी तरह से पकड़ के रखते कान को, गिरते नहीं है। चलिए मैं अब आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से मैंने ईयरबड्स आपके लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। तो पहला जो आया है वन प्लस की तरफ से, वन प्लस बुलेट वायरलेस जी बेस एडिशन। बेस एडिशन में जो है काफ़ी अच्छा बेस है उसमें, और उसमें मैग्नेटिक कंट्रोल भी उसमें दे रखा है जिसमें ऑन ऑफ वो हो जाता है। दूसरा है रियलमी बर्ड्स 2, उसमें भी काफ़ी अच्छी कॉल क्वालिटी हो जाती है और उसका बेस भी काफ़ी अच्छा माना जा रहा है कि उसमें बेस भी काफ़ी अच्छा वो दे रहे हैं। तीसरा है नॉइस का फ्लेयर, नॉइस फ्लेयर में काफ़ी वो प्रीमियम क्वालिटी का दिखता है और उसमें टच सेंसिटिव बटन भी दे रखे हैं जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, और उसमें कॉल क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी हो जाती है और उसमें बेस भी काफ़ी अच्छा दे रखा है। और अगला है बोट रॉकर्स 330 प्रो, तो ये वाला जो है उसमें भी काफ़ी अच्छा बेस काफ़ी अच्छा है और उसकी बैटरी लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा दे रखी है उन्होंने। अगला जो है हमारे पास बोट रॉकर्स 205 प्रो, इसमें भी काफ़ी अच्छा है और ये इसकी लेटेंसी काफ़ी लो है तो गेमिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है और इसका बेस भी अच्छी क्वालिटी का, मतलब ओके टाइप है लेकिन ठीक ठाक है। अगला जो है वो है एम आई का नेक बैंड प्रो, इसमें कॉल क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसमें बेस भी अच्छा दे रखा है। अगला और लास्ट जो है ओप्पो का एनको M31, इसमें मैग्नेटिक ऑन ऑफ कंट्रोल दे रखा है, साथ में इसका बताया जा रहा है कि बेस भी काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों ये जितने भी मैंने बताए आप इसमें से कोई भी अगर सजेस्ट करेंगे तो आपको रिग्रेट नहीं होगा, बस आप ये देखिए कि आपके कान के हिसाब से उसमें जो ईयर टिप्स आती हैं उसे चेंज कर लीजिए। अगर आपके कान बड़े तो बड़े लगा लीजिए, छोटे तो छोटे लगा लीजिए, आपको काफ़ी आराम भी मिलने वाला है, इनमें कई में तो हुक भी आ रहे हैं। तो दोस्तों ये तो थी नेक बैंड खरीदने की एक मेरी तरफ से छोटी सी सजेशन, बाइंग गाइड बोलें या आप इसको जो भी बोलें। तो इस हिसाब से अगर आप नेक बैंड खरीदते हैं तो आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं होना पड़ेगा, और ये सब 2000 के अंदर मिल जाते हैं। ये इसके प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं लेकिन 2000 के अंदर मैंने देखा है कि सारे मिल रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये नेक बैंड बाइंग गाइड कैसी लगी आप प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आपको क्या देखना है वो भी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।